अच्छे कमेंट्स करता है, कौन सच्चे कमेंट्स करता है, तो यस मैंने बहुत बहुत है, बट मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करते नहीं हूँ. एक्चुअली ये वेरी टफ थिंग, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे होता है वो होती है ट्रोलिंग, और अगर आपके फैंस आपको ट्रोल नहीं करते हैं तो इससे बढ़िया आपको कुछ हो ही नहीं सकता. आई थिंक दैट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू गेट एवरी डे. यस आई थिंक एक्चुअली, एंड स्पेशली जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे फ्रेंड्स अपने चूज कैसे किए, तो वही एक तरीका था कि हमने उस तरह से लोगों को चूज किया जो अच्छे लगे, जो बहुत समय से कॉन्स्टेंटली जो ओरिजिनल मेरे फैंस हैं वो सब मेरे लाइफ में. मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ मेरे फैंस को कि नंबर्स बढ़ा होते हैं, सो दे वेलकम ऑन माय साइड, वेलकम टू माय लाइफ. ऊपर करना आप फोटो में पहली बार मैंने देखा है, हम अक्सर बॉलीवुड पार्टीज में जाते हैं, हम अक्सर बॉलीविड के लोगों को देखते हैं, उन्हें बर्थडे विश करते हैं ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे, पर पहली बार ऐसा है कि लाइव आपके फैंस यहाँ पर आए हैं आपको विश करने, आपके साथ सेलिब्रेट करने. जैसा ऑडियो फैंस है, क्या कुछ खास चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हैं, या कैसे आपके जन्मदिन को खास मनाने वाले हैं? कुछ लोग यहाँ आना चाहेंगे पर्सनली विश करने बिफोर वी स्टार्ट दिस होल इवेंट. कैन वी हैव फ्यू पीपल हियर, फ्यू फैंस? नसीम भाई, रोहित 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 अरे भैया भैया आ गए आ गए रोहित हर रोज हर कोई आपको इस तरह नहीं बुलाएगा अपना जन्मदिन मनाने. सबसे पहले तो मैं जानती हूँ अपनी आपके नाम क्या है और कहाँ से हैं. कोई एक खास चीज जो यहाँ पे आप इनके बारे में बताएंगे? वैसे तो लड़की की तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, पर इतनी दूर से आए हैं तो एक एक लाइन. लड़की नहीं, इनकी ड्रीम क्वीन हूँ मैं, ड्रीम गर्ल हूँ मैं. तो लड़की की तारीफ तो ये लोग गर्लफ्रेंड की करते रहते हैं, ये लोग आज मैं आज मेरी तारीफ बाजू में खड़े हुए घबरा रहे, तो मैं हाथ दे मैडम को बहुत दिन से पीछे में देख रहा था, एक बार मिलने की दमन है, मिलने की जा. हाँ पहली बार ड्रीम पूरा हुआ है. अंदर थोड़ा
क्या कहा जाए पता ये इतनी खूबसूरत में आप निगाह इनको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया कि इनसे मिल सके। अमूमन आप किसी भी बड़े स्टार का बर्थडे जब आता है तो आप बगलों के बाहर फैंस खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं इसलिए दिख जाए। इन्होंने बुलाया, मैं समझता हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो दर्शाता है कि एक बेहतरीन एक्टर के साथ एक बेहतरीन इंसान भी। अरे लेकिन क्लोज भाई, थोड़ा क्लोज हो गया। हाँ दीजिए ना सर। अरे प्रेम में भाई आइए ना प्रेम में। हाँ बस हाँ ये हुई बात। ये वीडियो घर पे भी जाएगा भाई। अरे इससे कहाँ बोल रहा है। वेरी नाइस फैंसी माहौल बनाने के लिए। और आपके अलावा जितने भी फैंस हैं आई थिंक हमारे पास एक लकी ड्रॉ उनके लिए करने वाले हैं। एक खास मौका उन्हें दिया जाएगा कि वो यहाँ पे आए और कुछ स्पेशल करें। अभी लेकर आ जाइए भाई साहब, पूनम जी खुद अपने स्पेशल फैंस के नाम यहाँ पे निकालेंगी। ये जो एक दो टीचर मेरे साथ हैं तो इनके लिए मेरी तरफ से एक टी शर्ट उनका टी शर्ट रहेगा क्योंकि ये सबसे पहले स्टेज पे हिम्मत करके आए हैं। तो प्रभात 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 सिर्फ बातें ही क्यों, आई थिंक कुछ और भी होना चाहिए। आज जन्मदिन है, कम से कम थोड़ा बहुत गा के विश कर दीजिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। पांडे 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 ये भाई गम वाला गाना है यार। अरे नया गाना कोई भाई नया गाना गाओ, ये गम वाला भाई नया। ये भाई गम वाला गाना गाता है तू, वैसा कैसा करता है भाई। मुबारक रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी। वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रभात प्रभात तो मीडिया को पूछ रही हूं मैं जो दिल में है बोलो। हां भावना भावना प्रभात एक और फैन है बहुत बड़ा प्रभात। आप भी कर लेते हैं पांडे इसके बाद हम नसीम भाई प्रभात 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 भी याद कर रहा है बहुत। हाँ प्रभात 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 दिनेश भाई थोड़ा राइट में आ जाओ। अरे प्रभात को टी शर्ट नहीं मिला भाई, प्रभात को बाटी दीजिए। ये तेरे मैगजीन में जाएगा, तेरे मैगजीन में। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? अरे वो जितना है इतना है ही नहीं, अच्छा दिख रहा है इतना। चलो साइलेंस साइरी मैम साइरी। आप आए खुदा की मेहरबानी है, आप आए खुदा की मेहरबानी है। इससे ज्यादा क्या करूं कि मैं आपकी हूं। क्या बोल दीवारी पहले बोलो।
कोई तैयारी नहीं है, मैं आपकी दीवानी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ से भागू। हम कुछ डेट थी ना अपने दोस्तों के साथ। या 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 या, वी हैव सम चिप्स हियर विद अस। इनमें से कुछ स्पेशल नाम उन्हें निकालेंगे और फिर उन फैंस को कुछ स्पेशल जगदीश कहाँ है भाई? कहाँ है? ये जगदीश भाई कौन कह रहे हैं? जगदीश भाई, जगदीश भाई कौन है? अरे तू शर्मा के लिए आओ जुम्मा जुम्मा प्रभात उधर कहाँ देख रहा है? इधर देख, उधर कहाँ देख रहा है? नीचे कहाँ देख रहा है? इधर देख। एक मिनट दिनेश, नीचे दिनेश भैया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Hey.
बताएंगे कि मैं आगे और क्या कर रही हूँ उनके लिए। थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं आपको हैं आज जन्मदिन की। मैं रास्ते में आ रहा था, सोच रहा था कि पूनम जी को विश करना है। क्या विश पूनम जी को किया जाए? क्योंकि विश ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगती है। इंसान को जिन चीज़ों की जरूरत होती है, प्रॉस्पेरिटी की जरूरत होती है, खुशी की जरूरत होती है, आप कहें कि शोहरत की जरूरत होती है, तो पूनम जी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है इंडस्ट्री में। बहुत शोहरत हासिल करी और खूबसूरत तो वो है ही, आपके सामने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं उनको जन्मदिन पर क्या और विशेष मुबारकबाद दूँ, लेकिन फिर से मैं अगेन उनको वो सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब आगे आने वाले वर्षों में पूरी हों। और एक दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने जिक्र किया पूनम जी ने, हम जो एक फिल्म लीजेंड ऑफ पीकॉक का निर्माण कर रहे हैं, 45% फिल्म की शूटिंग अभी हम लोग करके आए हैं वाराणसी में, बनारस में। इंटरनेशनल मूवी है और पूनम जी उसमें एक बहुत अहम किरदार वो प्ले कर रही हैं। कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझे मिले। हर बार लिखते हैं तो कभी कभी कुछ नया करना होता है। एवरी टाइम क्या होता है, आप बर्थडे करते हैं, अपना अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, सो नॉर्मली फ्रेंड्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, मैं गई तू गया मैं आया, ऐसा हो जाता है। तो समथिंग न्यू आई वांटेड टू डू, प्लस आई वांटेड टू गिव थैंक्स टू माई फैंस जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ हैं हमेशा, मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट और व्हाटएवर दे राइट टू मी। सो ये एक अच्छा मौका था कि बर्थडे भी है और मैं उनको इसी बहाने बुला भी सकूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा काम आज तक किसी और ने किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपने सारे रियल फैंस को रियल स्टेज के ऊपर मिल रही है, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया पे डाला था ओपनली, जो भी आना चाहेंगे वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया और जब बहुत सारे 8-10 हज़ार लोगों के हमें नाम आए और उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं, फिर उसमें से फिर हमारे मीडिया हमारे जो चैनल हमारे जो पीआर टीम है उन्होंने सेलेक्ट किया कितने लोग आएंगे, क्योंकि सबको तो बुलाया नहीं जा सकता। फिर ये देखा जाएगा कि कौन बहुत समय से मेरा फ़ैन है, वो मुझे अच्छा लिखता है या मेरे बारे में लिखता है, फिर ऐसे करके वो चटनी होते 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 फिर 100-150 के ऊपर लोग आए और फिर उनको हमने इन्वाइट किया। मैम काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की पार्टी हो रही थी और उसमें जो गाना था वो भी काफ़ी पसंद हुआ था, क्या कहना चाहेंगे वो फिल्म कितना आपके लिए मायने रखता है, उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, उसमें कोई खास जगह थी
वाओ, मैं कब से चाह रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैं दूँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अफकोर्स मेरी पहली फिल्म महारा थी और मैं बहुत प्राउड हूँ उस बारे में कि मैं कुछ भी करती हूँ एक ही करती हूँ लेकिन वो एक ही धमाकेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लड़कियाँ मतलब मैं एक हीरोइन की बात करती हूँ, रवीना टंडन जी जो थी मेरी फिल्म में थी आज भी हैं, उनकी 50 फिल्में आई होंगी 100 फिल्में आई होंगी लेकिन जब भी वो आती हैं जब भी आते हैं तो सिर्फ एक ही गाना बजता है टिप टिप बरसा पानी, और मैं भी आती हूँ तो मेरे लिए एक गाना बजता है कि ना कचरे की धार। तो क्या डिफरेंस है, 100 फिल्में नहीं की तो नहीं की, जो मैं मुझे अच्छा लगता मैं वो काम करती हूँ। लेकिन फिर भी कोई सुपरहिट फिल्म का पार्ट बनना उसके बाद क्या सिलेक्टिव हो जाता है आर्टिस्ट की, उसको बड़े बजट के साथ काम करना है, बड़े बैनर के साथ काम करना है, क्या होता है आपकी मेंटेलिटी किसी आर्टिस्ट का? नहीं मैंने देखिए मैंने बहुत सारे बीच में काम किया, फिर मैंने अभी ओ माय गॉड इतनी बड़ी, मुझे लगता कि आप अगर मेरे बारे में गूगल में पढ़ेंगे तो देखेंगे मैंने जो भी काम किया है वो कम से कम हिट हुआ है। तो मैं मुझे ऐसा रोल नहीं करना है कोई जो साइड में जाके कैरेक्टर कर लिया और चले गए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और सिंपली हो सकता है कि ना कचरे की धार के टाइम पे आई वॉज वेरी बच्चा और वो जो इंडियन लुक था जो मुझे नहीं करना था रिपीटेडली तो मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद स्टडी रही। तो थोड़ा सा गिला शिकवा तो है कि हम डिज़र्विंग रहे लेकिन नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें बाहर के लोगों को कम काम मिलता है। बट नथिंग नो वरीज, देखिए आपके सामने बैठी हूँ हंसती खेलती अच्छी वाली। मैं पर्सनली और प्रोफेशनली हर इंसान हो जाए स्टार हो जाए पब्लिक को फेस करना पड़ता है डिफिकल्ट टाइम्स, आप बताइए कौन सा डिफिकल्ट टाइम था आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में और कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट था अभी तक का? मैं हैप्पी तो हमेशा ही रहती हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ, काम मिलेगा तो दुखी नहीं, ना मिला तो दुखी नहीं, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहती हूँ क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं बाहर से नहीं आई हूँ कि बाहर से आके आदमी परेशान हो गया या फिर खाना नहीं मिला काम नहीं मिला कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाए, ऐसा नहीं है। आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली सो, लेकिन हाँ मुझे भी फील होता है कि मैंने भी और बहुत सारी फिल्में की होती, बहुत अच्छे अच्छे रोल किए होते, बहुत अच्छा अच्छा काम मुझे मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक ग्रुपिज्म जो बनता है वो ग्रुपिज्म ऐसा बन जाता है कि फिर बाद में आप उसे तोड़ नहीं पाते। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आज इतना सारा मीडियम है, आज वेब सीरीज़ है, आज हम अपने कुछ टॉक शोज़ कर सकते हैं, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपनी चीज़ों में अपने जो मन में आता है वो काम करती हूँ। मैं स्पोर्ट्स में इतना बिलीव नहीं करती क्योंकि मतलब मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करती हूँ, तो आई वुड लव टू डू सम ग्लैमर रोल किसी बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर अगर कोई फिल्म बन रही हो। मैडोना के ऊपर अगर बने तो मैं कर सकती हूँ, और अगर हमारी हिंदी फिल्मों के में अगर आई बिलीव अगर मीना कुमारी जी के लिए मुझे रोल मिले तो आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज मीना कुमारी जी की जो फिल्में हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, उनकी खाली एक फेस के एक्सप्रेशन से ही इतना ऐसा लगता है कि बस पूरा रोल हो गया। बाकी आई एम नॉट सो बॉदर अबाउट, जो मुझे मिले अच्छा है। तो आपने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे, उसमें से कोई खास बर्थडे जो आपके लिए हमेशा के यादगार बन गया हो ऐसा कोई बर्थडे? नहीं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ मनाती हूँ और मुझे लगता है आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं अपने फैंस के और मीडिया के साथ हूँ सिर्फ, बाकी और कोई नहीं है, तो आई थिंक आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी कहना चाहूँगा जब प्रोफेशनली कोई काम करता है आर्टिस्ट तो मीडिया होती है, फैंस होते हैं, यू नो फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी सारा, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स नहीं रहते हैं तो वो फेस बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए बताया कि वो फेस आपने कैसे हैंडल किया जब आप लाइन लाइट में नहीं रहती, क्योंकि लाइन लाइट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। लाइन लाइट होती क्या है, 10 दिन आप लाइन में हैं, आप फिर टीवी पे हैं, आप फिर पेपर में हैं, फिर घर में बैठेंगे, फिर क्या उसके पीछे दौड़ेंगे? हम लोग नहीं दौड़ेंगे। तो जितना आपके पास काम आता है आप उसको खुशी से करिए, उसके बाद आपकी फैमिली है, फिर आप खुद भी बहुत सारे काम करते हैं, मैं खुद मैनेजमेंट करती हूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम इवेंट्स करती हूँ, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे ऑक्यूपाइड रखती है और मैं अपना ध्यान बांटे रहती हूँ, मुझे कभी खालीपन महसूस ही नहीं होता कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो काम आया ना आए, इट डजंट मैटर टू मी। थैंक यू।